तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई 2023 की। जहां तक मेरे को लगता है ये जो एग्जाम है ये पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के काफी ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछली बार देखा गया था 2021 के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था, पहले आप लोगों के एग्जाम्स ऐसे ही हुए थे, आप लोगों की डेट्स आ चुकी थी, आप लोगों के सारे फॉर्म्स फिलअप हो चुके थे और आप लोग पेपर देने जाने वाले थे। और तब क्या हुआ था, तब कोरोना की एक वेव आई थी जिसके वजह से आप लोगों के सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए थे। आप लोगों के शायद पहले दो एग्ज़ाम्स हुए थे जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, तो जेई मेन्स आप लोगों का दो बार हुआ था तब, तो उसकी वजह से आप लोगों का जो भी था वो जेई मेन्स कैंसिल कर दिया गया था और पोस्टपोन भी कर दिए गए थे जो अगली डेट्स थी। तो आप लोगों को भी शायद इस बार 2023 में भी ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों के जो गवर्नमेंट्स हैं वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को न्यूज़ में भी दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस बढ़ने लग गए हैं और एक फोर्थ यहाँ पर फिफ्थ वेव भी शुरू होने वाली है। तो शायद आप लोगों के इस बार भी आप लोगों के जो बोर्ड्स हैं वो थोड़े पोस्टपोन हो सकते हैं और साथ में आप लोगों के जो जेई मेन्स हैं वो भी थोड़े थोड़े पोस्टपोन हो सकते हैं इस वजह से। तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के वो पोस्टपोन होने वाले हैं यहाँ पर नहीं, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग ट्विटर पर जाके ट्वीट्स कर सकते हो ताकि गवर्नमेंट आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से गाइडलाइंस दे सके कि आप लोगों के सच्ची में एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने वाले हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं होते तो गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है एग्ज़ाम्स को पूरा अच्छी तरह से कंडक्ट करवाने की, ताकि आप लोगों की जो सेफ्टी है वो पूरी तरह से इंश्योर हो पाए। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं और आप लोगों को, जहाँ तक मेरे को लगता है, पोस्टपोन होने के काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन भर दिन जो कोविड के केसेस हैं वो थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये जो कोविड है इसके अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा डेडली वायरस नहीं है जो इस बार का वेरिएंट है, पर शायद आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि फिर भी ये थोड़े आप लोगों के सीवियर केसेस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं अगर इस वाले कोविड वेरिएंट की बात करते हैं। और ऊपर से आप लोगों की सारी डोजेज लगी होनी चाहिए अगर आप लोगों को शायद एग्ज़ाम्स देने पड़े, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले अपनी सारी वैक्सीन पहले से लगवा के रखें, ताकि जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स हुए और उसके अंदर ये क्राइटेरिया होए कि अगर आप लोगों की वैक्सीनेशन लगी होगी तभी आप लोगों को एग्ज़ाम देने दिए जाएंगे, तो आप लोगों के पास पहले से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स हुए और तब आप लोगों को एकदम से इंजेक्शन ना लगवाने पड़े। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सारे आप लोगों के ऑफलाइन होते हैं और उसके अंदर आप लोगों के जो कांटेक्ट में आने के चांसेस हैं दूसरे बच्चों के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शायद आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो सकते हैं, कैंसिल नहीं हो सकते, हाँ वो पोस्टपोन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आज ही फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों को बाकी के सारे अपडेट्स जल्दी से जल्दी देता रहूँगा।